नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो अपनी शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, उसका जो टाइम टेबल है, मतलब टाइम टेबल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित कर दी गई है। मतलब यूजी की जो परीक्षाएँ हैं, जो बीएससी फाइनल वालों की परीक्षाएँ हैं, वो स्टार्ट होगी 5 अगस्त से। और साथ ही जो आपकी पीजी फाइनल है, ठीक है, यानी कि एमएससी फाइनल वाले जो विद्यार्थी हैं, यानी कि एमए फाइनल, एमएससी फाइनल, एमकॉम फाइनल, जितने भी पीजी के जो फाइनल वाले स्टूडेंट हैं, उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी 6 अगस्त से। लेकिन टाइम टेबल अभी जारी नहीं किया गया है। जैसे ही टाइम टेबल जारी किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको अपडेट दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको, हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अब लास्ट समय आपका आ चुका, अंतिम समय अब आ चुका है, तो तैयारी करने में आप कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पीछे जो समय आपने ख़राब किया या नहीं किया उसको भूल जाओ, ठीक है। पहले आपने क्या किया उसको आप भूल जाओ, अब आगे आपको कैसे तैयारी करनी है उस पर फोकस रखो। तो 5 अगस्त से आपकी जो बीएससी फाइनल वाले हैं उनकी एग्ज़ाम होगी, और जो 6 अगस्त है वो पीजी फाइनल वालों की एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय का आप टाइम टेबल देख चुके हो, उसी की जैसा टाइम टेबल आपका बनेगा, ठीक है। मतलब एक दिन में 2 पेपर या 3 पेपर किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। कहने का मतलब वही पैटर्न अपनाया जाएगा एग्ज़ाम करवाने के लिए, तो ज़्यादा बीच में समय नहीं बचेगा। समय तो आप वैसे भी नहीं बचाए, फिर भी आपके पास 13-14 दिन का समय है, इतने में आप इजीली कवर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-2 यूनिट पढ़ते हुए चलो, सारा का सारा मैटर आराम से कवर हो जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो ऐप की वैलिडिटी है, जो कोर्सेज की वैलिडिटी है, जो बैच की वैलिडिटी है, वो 15 अगस्त तक है, आपको पता है। तो आज ही उन बैच को आप ज्वाइन करो, और अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बैच को ज्वाइन करो और पढ़ाई कंटिन्यू करो। और लास्ट समय है आपके पास, क्योंकि बीएससी फाइनल भी अंतिम ही है और वैसे भी अंतिम ही है, तो अंतिम क्षणों में जितना जोर लगाना है उतना लगा दो, ठीक है। वो बात है, एक दिन दो दिन ना सोओगे, कुछ दिन कम सो लोगे या कम घूम लोगे तो आपका ही भला होना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इस अंतिम समय में जितना हो सके उतनी पढ़ाई आपको करनी है, उतना ही आपको पढ़ना है, मतलब अपना पूरा का पूरा 100% आपको देना है, ठीक है। मतलब आप जितने पढ़ सकते हो ना उतना आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। उसके लिए मैंने पहले बता चुका हूँ पीछे के कई वीडियोज़ में, आप उनको देख सकते हो कि तैयारी करने के लिए आपको क्या पैटर्न अपनाना है। तो 5 अगस्त बीएससी फाइनल वाले, 6 अगस्त एमएससी फाइनल वाले, ये डेट इनकी घोषित कर दी गई है। धन्यवाद।